Now today I'm going to start with lesson working of institution. Before vacation we have done three organs of the government, legislature, executive and judiciary, and you have read all about these. Ke how legislature hai kya, largest law making body in India. Executive implement those laws, theek hai, which are made by legislature, and judiciary check whether the laws are followed by people or not. Judiciary sara wo check karti hai, give punishments to the law violator. So these are the three organs or the institutions of the government. In India we are having bicameral legislature. Ye before vacation humne sara itna tak kiya tha ki India mein hamari bicameral legislature hai. Bicameral ka meaning agar aapse pucha jaye to aapne kehna hai having two houses. India mein hamari jo parliament hai it has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. अब पंजाब की अगर मैं बात करूं ओनली फॉर योर नॉलेज तो इन पंजाब वी आर हैविंग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. यूनी का मतलब होता है वन हाउस. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉर एग्जांपल इन पंजाब ये नहीं है. यहाँ पे हम राज्यसभा कह रहे हैं. अगर पंजाब की मैं बात करूं तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेजिडेंट की जगह गवर्नर. तो अगर मैं पंजाब की बात करूं बट इट्स नॉट इन दिस चैप्टर, विल नॉट रीड अबाउट पंजाब इन दिस चैप्टर. मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है. डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द स्टेट के वो टू हाउसेज है उसमें के वन हाउस है. डिपेंड अपॉन द विश. उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों हाउसेज है. पंजाब में सिंगल हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं है. तो दिस इज अबाउट, इन दिस चैप्टर वी विल रीड ओनली अबाउट इंडिया. ठीक है, इंडिया के बारे में हमने पढ़ना है. तो इंडिया में आप कहोगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हैविंग टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड दीज थ्री ऑर्गन्स इन डिटेल. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद लेजिस्लेचर. हम लेजिस्लेचर से स्टार्ट करेंगे एंड लेजिस्लेचर में आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इस लेजिस्लेचर, पहले आपने लेजिस्लेचर को डिटेल में पढ़ना है, फिर आपने एग्जीक्यूटिव को डिटेल में पढ़ना, देन यू विल रीड अबाउट जुडिशियरी इन डिटेल. तो लेट्स बिगिन विद लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में आपने क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली. आपने सबसे पहले तो पढ़ने हैं टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. पेपर में किसी पे भी नोट आ जाए, लोकसभा पे नोट आ जाए, राज्यसभा पे नोट आ जाए, तो आपको रेडी रहना. ठीक है, वैसे मोस्टली देते होते हैं डिफ्रेंशिएट लोकसभा एंड राज्यसभा. डिफ्रेंशिएट करो दोनों को, यहाँ बीच में से वन मार्क क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, फिर आपको पढ़ना है इसमें व्हाट इज पार्लियामेंट एंड राइट इट्स पावर्स और फंक्शंस. पावर्स और फंक्शंस एक ही बात है. पेपर में पावर्स आए या फंक्शंस आए तो एक ही बात है. ठीक है, व्हाट इज पार्लियामेंट, राइट इट्स पावर्स एंड फंक्शंस. पार्लियामेंट की पावर्स एंड फंक्शंस आपने बताने हैं. ठीक है, तो इसके बाद आपका एक और टॉपिक इसी में आपने पढ़ना है विच हाउस इज पावरफुल एंड वाई को आपने एक्सप्लेन करना है. दोनों में से कौन सा हाउस पावरफुल है एंड एक्सप्लेन, उसको आपने बताना है कि वाई दैट हाउस इज पावरफुल. तो दीज थ्री टॉपिक्स यू विल रीड इन लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के बाद आपने पढ़ना है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़नी है पावर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, इसकी टू टाइप्स, परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. फिर आपने पढ़ना है powers of prime minister, then you will read about how president is elected, write his powers. आपने president की सारी powers, emergency powers भी उसकी पढ़नी है. paper में कई बार emergency powers पे separate question दे देते होते हैं. ठीक है, तो next इसके बाद आपका, हाँ साथ में council of ministers भी आपने executive में पढ़ना है. council of ministers भी executive में पढ़ना है आपने. ठीक है, next judiciary, इसमें आपने supreme court, high court and then lower courts वो सब पढ़ना है. एंड देन अबाउट हाउ कैन यू से इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो कैसे कहोगे इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. सब कुछ पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना. मींस देखो आपके कितने सारे क्वेश्चंस बनने हैं एंड इन ईच ऑर्गन यू, इट मींस आपको हर ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना है. तो लेट्स बिगिन विद लेजिस्लेचर. हैविंग टू हाउसेज, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, टू हाउसेज है लोकसभा एंड राज्यसभा. अब इसको बेटर है करना कि डिफ्रेंशिएट वे के साथ कर लो. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन कोई भी आए, राइट नोट ऑन लोकसभा या राइट नोट ऑन राज्यसभा, तो यू कैन राइट पुट अ लाइन इन सेंटर. एक साइड लोकसभा लिख दो, एक साइड राज्यसभा लिख दो. इट विल बिकम इजी फॉर यू अगर आप इस वे से करते हो. आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन राज्यसभा, तो आप राज्यसभा के पॉइंट्स लिख देना.
अगर आपको आता है राइट नोट ऑन लोकसभा तो आप लोकसभा के पॉइंट्स लिख सकते हो. तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट की वे से. पुट अ लाइन इन सेंटर एंड स्टार्ट. अब आप लोकसभा का फर्स्ट पॉइंट कह सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक मिनट, आप लिखो लोकसभा एंड देन राज्यसभा. तो आप पॉइंट्स बनाते जाना इसमें, ठीक है. फर्स्ट लोकसभा में आप कहोगे इट इज द हाउस ऑफ पीपल, लोक पीपल, इट इज द हाउस ऑफ पीपल. इधर आप कहोगे इट इज द हाउस ऑफ काउंसिल्स, इट इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज द हाउस ऑफ काउंसिल्स. अब इधर आप कहोगे इट इज द लोअर हाउस, ये लोअर हाउस है, वो अपर हाउस है. राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा आप कहोगे लोअर हाउस, ठीक है. एंड राज्यसभा, राज्यसभा के लिए आप बोलोगे अपर हाउस. लिसन अगेन, इट इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज द हाउस ऑफ काउंसिल्स, इट इज द लोअर हाउस, इट इज द अपर हाउस. अब इधर लोकसभा में पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शंस. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शंस. इधर पीपल हु आर एट द एज ऑफ 30 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर राज्यसभा इलेक्शंस. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 30 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर राज्यसभा इलेक्शंस. इट इज द House of people, it is the House of Council, it is the lower house, it is the upper house. People who are at the age of 25 or above can contest for Lok Sabha election. People who are at the age of 30 or above can contest for Rajya Sabha elections. इसी में आप बताओगे number of members. Lok Sabha में आप बताओगे number of members never exceed. जो members होते हैं ना, वो कभी भी जो मैं number बताऊंगी इससे ज्यादा नहीं होंगे. नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे उससे. नंबर ऑफ मेंबर्स नेवर एक्सीड 552, आप लिख लो. वैसे 550 हम कहते हैं, पर आप 552 लिखो क्योंकि टू आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. आप लिखो नंबर ऑफ मेंबर नेवर एक्सीड 552. और इधर आप कहोगे नंबर ऑफ मेंबर नेवर एक्सीड 250, कभी भी 250 से ज्यादा नहीं होते, 250 से ज्यादा नहीं होते. नेक्स्ट, इधर टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स है लोकसभा के, यू नो इट वेरी वेल, इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव डन 543, याद आ गया आपने 543 किए थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज. एट प्रेजेंट 543 है, ठीक है. इधर आप बताओगे टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. Two members are nominated by president from Anglo-Indian community. Two members are nominated by president from Anglo-Indian community. Two members are nominated by president from Anglo-Indian community. उधर आप बताओगे 12 members are nominated. Rajya Sabha mein aap likhoge 12 members are nominated by president from different fields such as art, music, science, literature, sports, etc. 12 members are nominated by president from different fields such as art, म्यूजिक, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. इधर टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. उधर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स सच एज आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इधर आप बताओगे स्पीकर इज द हेड.
इधर हेड कौन है? स्पीकर, स्पीकर इज द हेड। उधर वाइस प्रेसिडेंट, इधर स्पीकर इज द हेड, उधर वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा में आप कहोगे स्पीकर इज द हेड, उधर आप कहोगे वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट, इट्स टेन्योर इज इसका टेन्योर 5 years, इट्स टेन्योर इज 5 years, 5 year टेन्योर है। तो इट इज अ नॉन परमानेंट हाउस, ये नॉन परमानेंट हाउस है, ये भी हम इसे कहते हैं। इधर आपको 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years, 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years, 2/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। अब आप बताओ नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द पावरफुल हाउस एंड व्हाई। आपने दोनों हाउसेस किए, विच इज द पावरफुल हाउस एंड व्हाई, दोनों में से कंपेयर करना है कौन सा हाउस पावरफुल है और क्यों। विच इज द पावरफुल हाउस एंड व्हाई। वैसे तो अपर हाउस हम किसको कह रहे हैं? राज्यसभा को, बट राज्यसभा इज नॉट द पावरफुल हाउस। पावरफुल हाउस जो है ना, दैट इज लोकसभा। तो आपका 1 mark क्वेश्चन तो यही बनेगा, लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। 1 mark तो यही बन जाना, लोकसभा इज द पावरफुल हाउस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। लोकसभा इज द पावरफुल हाउस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अब आप रीजंस क्या क्या बताओगे? नंबर 1 पे आप लिखोगे रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। फर्स्ट पॉइंट आप बनाओगे रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। विच हाउस इज पावरफुल? 1 mark क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। अब आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। आप फर्स्ट पॉइंट में बताओगे रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल को लेके इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप लिखोगे ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस, किसी भी, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया। बट वाइल पासिंग इफ क्लैशेस अकर्ड, अब पास होते वक्त अगर झगड़ा हो गया बिटवीन बोथ द हाउसेस, बट वाइल पासिंग इफ क्लैशेस अकर्ड देन स्पीकर कॉल्ड, स्पीकर लोकसभा का हेड है ना, स्पीकर कॉल्ड द मीटिंग ऑफ, स्पीकर कॉल्ड द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, देन स्पीकर कॉल्ड द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। स्पीकर क्या बुलाता है? ज्वाइंट सेशन। देन स्पीकर कॉल्ड द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, स्पीकर दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन बुलाता है, ठीक है। देन स्पीकर कॉल्ड द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, इन दैट सेशन वोटिंग इज डन ऑन बिल, उस सेशन में वोटिंग होती है बिल के ऊपर। इन दैट सेशन वोटिंग इज डन ऑन बिल एंड डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल्स। किसका डिसीजन माना जाता है? मेजोरिटी का। एंड डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल्स। देयर इज मेजोरिटी इन लोकसभा बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर मोर देन राज्यसभा। कहां ये 550, कहां वो 250। देयर इज मेजोरिटी इन लोकसभा
as compared to, because number of members of Lok Sabha are more as compared to Rajya Sabha. मैंने कहा voting is done on the bill. Decision किसका माना जाता है? Decision of majority prevails. And there is majority in Lok Sabha. वहां पे majority है लोकसभा में. Because number of members are more in Lok Sabha as compared to Rajya Sabha. So decision of Lok Sabha is considered final. तो किसका decision final consider किया जाता है? Lok Sabha का. So decision of Lok Sabha is considered final. I'm going to repeat it again. Lok Sabha is out of these two houses. Lok Sabha is the powerful house. First of all, regarding ordinary bill, आपने कहा ना ordinary bill can be introduced in any of the house. किसी भी house में introduce होता है. If clashes occur, then speaker call the joint session of both the houses. And in that session, voting is done on bill. Decision of majority prevails. There is majority in Lok Sabha. क्योंकि majority कहाँ पे है? Lok Sabha में. There is majority in Lok Sabha because number of members in Lok Sabha are more as compared to Rajya Sabha. Number of members ज्यादा होते हैं. आपको पता ही है number of members यहाँ पे ज्यादा है. So decision of Lok Sabha is considered final. तो ये बात Lok Sabha को powerful बनाती है. ठीक है. अब next आप heading बनाओ regarding money bill. अभी आपने लिखा ordinary bill. अब आप लिखोगे regarding money bill. Money bill को लेके हम बताएंगे. Regarding money bill. Vanshika, I will discuss later. Regarding money bill. अब इसमें आप बताओगे money bill can introduced regarding money bill. Money bill can introduced only in Lok Sabha. अब अपने आप देखो money bill तो होता ही Lok Sabha में introduce है. Money bill can only be introduced in Lok Sabha with the prior information of president. Money bill can only be, वो Rajya Sabha में तो होता ही नहीं है. Money bill can only be introduced in Lok Sabha with the prior information of president. Means president को पहले से inform करते हैं, पहले से उससे discuss करते हैं. Money bill can only be introduced in Lok Sabha with the prior information of president. Then this bill is sent to Rajya Sabha. तब वो bill किसको भेजा जाता है? Rajya Sabha को. एक मिनट, मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि ordinary bill में भी वो bill last जो bill law बनेगा ना. आप एक बात हमेशा याद रखना, there is no need to write. हम तो कर रहे हैं why Lok Sabha is powerful. वैसे बता रही हूँ for your knowledge. जब ordinary bill का आपने किया ना कि decision of Lok Sabha is considered, तो वो bill है भी, वो law नहीं बना. law बनने के लिए वो bill किसके पास जाता है? president के पास. अब president के जब तक उसके sign नहीं होने, वो bill ने law नहीं बनना. हर bill पे president के sign compulsory है. ठीक है. तो ordinary bill को president delay कर सकते हैं 14 days तक. उसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं प्रेसिडेंट. बट सेकंड टाइम जब बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन. आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ. तो ऑर्डिनरी बिल जो होता है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद द प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को पहले से इन्फॉर्म किया जाता है. देन दिस बिल इज सेंड टू राज्यसभा. तब वो बिल कहाँ भेजा जाता है? लोकसभा किसको भेज देती है? राज्यसभा को. देन दिस बिल इज सेंड टू राज्यसभा. राज्यसभा कैन गिव इट सजेशंस बट इट डिपेंड अपॉन लोकसभा टू फॉलो द सजेशंस और नॉट. राज्यसभा ने अपनी सजेशंस दे दी, चेंजेस मांगे कुछ, किसमें चेंजेस कर दो. वो लोकसभा की मर्जी है वो चेंजेस को फॉलो करे चाहे ना करे. अगर तो ठीक है तो वो कर देते हैं, नहीं ठीक लगता है तो वो नहीं भी करती. राज्यसभा कैन गिव सजेशंस बट इट डिपेंड्स अपॉन लोकसभा टू फॉलो द सजेशंस और नॉट. अब ये देखो लोकसभा का कितना पावरफुल हो गया कि वो उसकी सजेशंस को चाहे फॉलो करे चाहे ना करे, चाहे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे. मींस लोकसभा देखो कितनी पावरफुल है. इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ लोकसभा टू फॉलो द सजेशंस और नॉट. उसकी मर्जी है. ठीक है. देन दिस बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट. अब ये बिल किसको जाता है? प्रेसिडेंट को. लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने कुछ चेंजेस मांगे, लोकसभा की मर्जी या करे ना करे,
सेम बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया। प्रेसिडेंट इस बिल को डिले नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट 14 डेज तक डिले करते हैं, कर सकते हैं, बट मनी बिल को प्रेसिडेंट डिले नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट देन दिस बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज टू साइन इमीडिएटली। प्रेसिडेंट को उस पे इमीडिएटली साइन करने पड़ते हैं, देन बिल बिकम लॉ। प्रेसिडेंट क्यों इमीडिएटली, प्रेसिडेंट साइन इमीडिएटली बिकॉज दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये तो पहले से इन्फॉर्म किया गया था प्रेसिडेंट को, पहले से ही डिस्कशन हुई थी, तो प्रेसिडेंट इस बिल को डिले नहीं कर सकते। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लोकसभा सेंड दैट बिल टू राज्यसभा विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा सेंड इट टू राज्यसभा, राज्यसभा कैन गिव सजेशंस डिपेंड अपॉन द विश ऑफ लोकसभा टू फॉलो द सजेशंस और नॉट, देन दैट बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर and president has to sign immediately because this bill was introduced with the prior information of president, aur president ko sign karne padte hain, aise delay nahi kar sakte kyunki usko pehle se inform kiya gaya tha is bill ke bare mein, to president has to sign immediately and bill become law, bill kya ban jata hai law, to apne aap dekho lok sabha ki power dekho, theek hai। ab third house of people, थर्ड पॉइंट हाउस ऑफ पीपल, अब इसमें आप बताओगे लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। एक बात लिखनी नहीं है, सिर्फ सुन लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बता रही हूँ, लिसन केयरफुली। अपने आप सोचो, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शंस ना, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शंस। प्राइम मिनिस्टर की कोई वोटिंग नहीं होती, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है ना वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। कभी भी आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं? नो, ये तो सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का, जो पार्टी मेजोरिटी शो कर पाती है, जो विनर होती है पार्टी, उसका जो लीडर होता है वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा के जो मेंबर्स है वो लोगों ने सिलेक्ट किए, इलेक्ट किए थ्रू इलेक्शंस। राज्यसभा के मेंबर्स हम लोग इलेक्ट नहीं करते, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनको आप कहोगे कि इलेक्टोरल कॉलेज के लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? हम कहेंगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड आप कहोगे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, उनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। इट मीन्स इनको तो हमने चुना ही नहीं, तो इनके हाथ में पावर इनके हाथ में है, क्योंकि ये हाउस ऑफ पीपल है। इन इंडिया we are living in democratic country and in india in our country powers are in the hands of people, to aap ye bataoge hands powers are in the hands of people, so in the end we can say lok sabha is the powerful house, so lok sabha powerful house hai। now is it clear, differentiate lok sabha and rajya sabha, fir aapko batana which house is powerful and why, to aapko bills ko compare karke batana hai, first of all ordinary bill, then मनी बिल, देन हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल है एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द पावरफुल हाउस। ऑर्डिनरी बिल में तो आप यही बताओगे कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, झगड़ा हो गया, तो स्पीकर ने एक ज्वाइंट सेशन की मीटिंग बुलाई और उस ज्वाइंट सेशन में वोटिंग हुई और वोटिंग में कहा गया कि जो जिस तरफ ज्यादा वोट्स होंगे वो मानी जाएगी। अब ज्यादा वोट्स किसके हो गए? लोकसभा के, क्योंकि वहां पे तो मेंबर ही ज्यादा है, तो वो लोकसभा का डिसीजन फाइनल होता है। फिर इस बिल को किसको भेजा जाता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसको डिले भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट चेंजेस भी करवा सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट सेकंड टाइम जब बिल जाता है तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट भेज भी सकते हैं वापस, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट हैज टू साइन। इट मीन्स लोकसभा का, लोकसभा पावरफुल हाउस है। मनी बिल जो होता है सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और फिर लोकसभा उसे राज्यसभा को भेजती है, राज्यसभा चेंजेस मांगती है अगर उसको लगता है, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ लोकसभा चेंजेस करे ना करे। फिर लोकसभा सेम बिल उठा के किसको भेज देती है? प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट हैज टू साइन इमीडिएटली।
बिकॉज दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद दिस प्रायर इंफॉर्मेशन, तो प्रेसिडेंट उसको डिले नहीं कर सकते कि मैं अभी इस पे पढ़ूंगा, क्योंकि वो तो पहले से इन्फॉर्म किया गया था, तो बिल लॉ बन जाता है. अब लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, सो दैट्स व्हाई लोकसभा के वैसे भी सारे मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस बाय द पीपल, तो इट इज द पावरफुल हाउस बिकॉज पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन अवर कंट्री, तो इट इज द पावरफुल हाउस. ठीक है, तो एक तो ये. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पार्लियामेंट. डिफाइन पार्लियामेंट एंड राइट इट्स फंक्शंस. डिफाइन पार्लियामेंट, या व्हाट डू मीन बाय पार्लियामेंट, राइट इट्स फंक्शंस. आज आप इसको लिखोगे नहीं क्योंकि 4 मिनट्स आर लेफ्ट, इसको लिखना नहीं है. मैं इसकी आउटलाइंस बताती हूँ. पार्लियामेंट क्या क्या करती है. पार्लियामेंट है क्या, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, फिर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट जो है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बुलाया जाता है. हमारी कंट्री में हम पार्लियामेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएसए जाते हैं तो वहां पे इसे कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है, अगर हम जर्मनी जाते हैं तो रीस्टैग, आपने तो पढ़े ही है सारा, पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी रीस्टैग, पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस बॉडी ऑफ स्टेट जनरल, पार्लियामेंट ऑफ रशिया डूमा. इंडिया की पार्लियामेंट हम इंडिया में पार्लियामेंट ही कहते हैं, वेयर एज इन यूएसए कांग्रेस. अब बच्चे यहाँ पे कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी ना समझ लेना कहीं पे, नो पॉलिटिकल पार्टी, नेम है वहां की पार्लियामेंट का कांग्रेस. इज इट क्लियर. तो पार्लियामेंट के इसमें हमने फंक्शंस भी पढ़ने हैं, फंक्शंस के क्या क्या ये काम करती है. अगर पेपर में फंक्शंस की जगह पावर्स आ जाए तो आंसर इज सेम. अब वैसे भी ये करती भी क्या क्या है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि लॉ मेकिंग लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. ठीक है, फिर आपने कहना है कि लॉ मेकिंग बॉडी है, फिर आपने इंडिया की लिस्ट सिस्टम इसमें बतानी होगी. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारा रेजिडरी पावर पार्लियामेंट ही इंजॉय करती है. ठीक है, तो फिर इसी में आप बताओगे बजट के बारे में, एनुअल बजट, नेशनल फाइनेंसेस, कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है. ठीक, और किसकी इलेक्शंस में पार्ट लेती है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर नहीं यहाँ पे लिखना, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में पार्ट लेती है पार्लियामेंट. ठीक है, तो वैसे भी हम इंडिया में हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना दैट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट. तो आपने ये बताना है सारा इसमें. ठीक है,